दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। वाइफ को किन्नरों की सिक्योरिटी में रखता था ये राजा, बेटियों को रखा कुवारी। 1 अक्टूबर को मुगल शासक अकबर की वाइफ महारानी जोधा का बर्थडे है। इस मौके पर अकबर से जुड़े उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इन्फोग्राफिक में यूज की गई अकबर जोधा की सभी फोटोज सिंबॉलिक हैं। कौन था अकबर? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मां का नाम हमीदा बानू था। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, जीवन भर निरक्षर रहा। 1551 में सिर्फ 9 साल की उम्र में अकबर को पिता हुमायूं ने पहली बार गजनी की सूबेदारी सौंपी गई। अकबर को महान मुगल शहंशाह 1556-1605 कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में मुगल शक्ति का विस्तार किया। इसके अलावा ऐसी नीतियां बनाई जिससे हिंदू भी इनके फैन हो गए। अपने शासनकाल में अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी जाति वर्गों के लोगों को एक समान माना। 40 साल की उम्र में वर्ष 1582 में दीने इलाही बनाया। इस धर्म का संस्थापक होने के नाते अकबर सम्राट के साथ ही पैगंबर भी बन गए। इस धर्म के अनुयायी मुसलमान और हिंदू दोनों थे। इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी शामिल थे। कौन थी जोधा? जोधा एक राजपूतानी कन्या थी जिन्हें हरकाबाई, हीर कुंवर नामों से जाना जाता है। ये राजा भारमाल की पुत्री थी और अकबर मुगल शासक अकबर की बेगम।